हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबके लिए बहुत ज्यादा बिजनेस कार्ड के ट्यूटोरियल अपलोड करा है अपने यूट्यूब चैनल पर, सो आज के वीडियो के अंदर भी अपन लोग एक नया बिजनेस कार्ड बनाने वाले हैं। लाइक बहुत इजी है एंड बहुत अच्छा है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, तो आज अपन लोग वही डिजाइन क्रिएट करेंगे एंड आपको डिजाइन का आइडियाज देंगे और उस आइडियाज पे भी आप अपना बिजनेस कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने क्रिएट करा। सो अगर आपको सीखना है इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तो आ जाओ फिर वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये हमारा एलिस्ट्रेटर और यहाँ पर दिल्ली फटाफट से अपन एक फाइल बना लेते हैं, लाइक न्यू पे जाएंगे और उसके अलावा अपने पास यहाँ पर एक टेम्पलेट आएगा लाइक दिस। अभी अभी पीसी ऑन करा है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि अभी अभी ओपन करा तो इसलिए, तो कर लेते हैं जल्दी फटाफट से ओपन। एंड उसके अलावा यहाँ पर न्यू पे अपन लोगों ने क्लिक करा है तो ऐसा आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आर्ट स्पोर्ट कर लेंगे लाइक अपन बिजनेस कार्ड बना रहे हैं एंड इंचेस में करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से अपन इंचेस कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से अपन कर देंगे यहाँ पर 3.5 और नीचे कर देंगे 2। लाइक ये हो जाने के बाद RGB रहने दें एंड ओके कर लिएगा। उसके बाद अपने पास यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएंगे लाइक कुछ इस तरह के, और ये जैसे क्रिएट होंगे आपके पास इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस लाइक दिस। अब उसके अलावा अपन इसके ऊपर डिजाइन को क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे सारी डिटेल है। सो इस तरह का कर देने के बाद सिंपल मैंने क्या करा, तो सबसे पहले मैं जो करूँगा वो हुआ रेक्टेंगल टूल एंड यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लूँगा कुछ अच्छे तरीके से इसी इंचेस पे। कर देने के बाद यहाँ से अपन यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइक कोई कलर भी आपको लेना हो आप यहाँ से ले सकते हो, और उसके बाद यहाँ से अपन को एडजस्ट कर लेंगे, तो कोई मसला नहीं, डिज़ाइन बनाना है आसान है। सो ये अपन ने एक रेक्टेंगल बनाया है, उसके बाद यहाँ से अपन कलर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइक मैं इसके अंदर लाइट कलर देना पसंद करूँगा और वाइट देंगे, लेकिन हम थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग अप्लाई करेंगे लाइक दिस। थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं। सो गाइस, मैंने बिजनेस कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो रखा है थोड़ा सा पिंक, और उसके अलावा मैं इसका स्ट्रोक जो है उसको नन कर देता हूँ। अब उसके अलावा अपना यहाँ पर जो है बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक काम और करूँगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक कॉपी ले लूँगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, यहाँ पर इसको इसी के ऊपर रखूँगा, दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+2 प्रेस करूँगा तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद अपने पास जो डिज़ाइन क्रिएट करना है वो बहुत ईजी है एंड गाइज आसान के साथ आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे मैं करूँगा वैसे आप लोग भी कर सकते हो। सो करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा एलिप्स के अंदर एंड एलिप्स टूल आप यहाँ से क्रिएट कर लें, और उसके बाद यहाँ पर आप एक एलिप्स ड्रॉ कर लें ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से, और उसके बाद बड़ा कर लिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन इसको लगा देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ से अपन इसका कलर डार्क कर देते हैं। अब हमने ये डार्क कलर क्यों रखा है, डार्क कलर रखते हैं फिर आप चेंज कर दें थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है। अलाइन पे जाएं और इसको इस पर सिलेक्ट करें, इस पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद शिफ्ट के साथ आप इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर सेंटर में रखते हैं। अब उसके अलावा यहाँ से अपन कलर इसके अंदर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक मैं इसको थोड़ा सा और डल सा कर लेता हूँ ताकि हमारा जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर से भी थोड़ा सा मैच हो। सो गाइस, मुझे ये ठीक लगा है, आंखों के अंदर थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है ये। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सिलेक्ट करूँगा, उससे पहले मैं यहाँ से लूँगा एक रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर एक मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लूँगा। रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन क्रिएट होकर आ जाएगा। अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करने जाएंगे एंड इसको एक्सपेंड कर देंगे। उसके बाद अपने पास अगर आपको इसको चेंजिंग करना हो डबल क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो लाइक कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बाहर आप क्लिक कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद यहाँ से अपन लोग लेंगे पेन टूल, और पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर अपन लोग ड्रॉ करेंगे पेन टूल की मदद से अपना एक प्रोजेक्ट। लाइक मैंने कुछ इस तरह से करा इसको क्रिएट, और क्रिएट बिल्कुल आसानी के साथ अपन कर सकते हैं। अब ये मैंने क्रिएट करा, उसके अलावा अपन यहाँ पर कलर दे देते हैं लाइक मैंने यही वाला कलर दिया, बट मैं इसको अभी चेंज करूँगा और इसको कर दूंगा लाइट कलर के अंदर कन्वर्ट लाइक दिस। एंड ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूंगा ताकि ये हमारा अच्छा लगे। उसके अलावा ये जो अपना ब्लू वाला है इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा और इसको अरेंज पे जाके सेंड टू बैक फ्रंट कर लूँगा ताकि ये इससे फ्रंट पे आ जाए, और उसके बाद ये अपना डिज़ाइन कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर ही एंड यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म मिलेगा एंड इसको कर लेंगे रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू चेक कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल में लेके इसकी एक कर लेंगे कॉपी लाइक दिस। उसके अलावा अपन इसको क्या करेंगे, नीचे इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको हम ऊपर की तरफ मूव करवा देंगे। सो गाइस, ये हमारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। कैसे करेंगे, उससे पहले मैं इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लूँगा Ctrl+G की मदद से, लाइक Ctrl+G कर दिया। उसके अलावा इसको पकड़ के मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। सो इतना कर देने के बाद अब मैं एक नेक्स्ट स्टेप करूँगा, मेरे पास अपना स्कैनर पड़ा हुआ है, सो मैं यहाँ पर ला के लगा सकता हूँ
और अपना लोगो भी यहाँ पर उठा के लगा सकते हैं। उसके अलावा अपना जो नेम है कंपनी नेम सारी डिटेल इसके अंदर फिल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल टूल और उसके बाद यहाँ पर आके मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि स्क्वायर को ड्रॉ कर लेता हूँ। कर देने के बाद आई ड्रॉपर लेके अपन ये वाला कलर इसके अंदर फिल कर देंगे और ये कर देने के बाद सिंपल एक इसकी कॉपी नीचे ले लेंगे ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से एंड डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो हमें इसकी कुल टोटल 4 कॉपियाँ चाहिए थी जो कि अपन ने ले लिया। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सेंटर में कर दिया है। उसके अलावा अपन को ये दूसरा डिज़ाइन भी क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाला डिज़ाइन बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपन लोग, किस तरीके से करेंगे वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने सारी यहाँ पर चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर मैंने अपने 3 प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है, बिजनेस कार्ड आइकन्स एंड QR स्कैनर, और उसके अलावा ये मेरा नहीं है, पता नहीं किसका मैंने डाउनलोड करा हुआ है। आप भी कर सकते हो और आप अपना भी बना सकते हो। कैनवा का ट्यूटोरियल बनाया है मैंने, उसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि आप इसको स्कैनर भी बना सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस तरीके से बनाना है अपने चैनल के लिए वो आपको मिल जाएगी वीडियो के अंदर, देख लीजिएगा। बाकी अपन का यहाँ पर चैनल लोगो पड़ा हुआ है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा अपने आइकन्स को सिलेक्ट करके एंड यहाँ पर अपने आइकन्स को ड्रॉप कर दूंगा। कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से व्हाइट कलर कर देंगे एंड उसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, देखें व्हाइट कलर तो अच्छा नहीं लग रहा तो अपन इसको ब्लैक कलर के अंदर ही कन्वर्ट करते हैं और जो अपने आइकन्स है अपन उसको ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से मैंने एडजस्ट करा, बस इसको अभी थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अपन इसको एडजस्ट करते हैं जब तक आप वेट करें एंड थोड़ी सी स्पीड फर्स्ट वॉल वेट में हो जाएगी। इसके अलावा अपन यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद क्या करेंगे, अगला प्रोसेस होगा इसको सबसे पहले अनग्रुप कर लेते हैं। उसके अलावा अपन सबको एडजस्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करके। सो इसको भी थोड़ा सा ऊपर, इसको भी ऊपर और इसको भी ऊपर सेंटर में कर देते हैं। उसके अलावा अपन ये सारे जो आइकन्स हैं इनको सिलेक्ट करेंगे और इनके अंदर व्हाइट कलर फिल कर देंगे। सारे आइकन्स अपन शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। कर लेने के बाद सिंपल यहाँ से जाके अपन लोग इसके अंदर व्हाइट कलर को फिल कर देते हैं। अब ये हो चुका अपना, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि जो आइकन्स हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखें, तो उसके लिए अपन को इन सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा। काम करते हैं अपन, उसको दोबारा क्लिक करते हैं एंड अलाइन करने जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एंड सेंटर, एंड सेंटर अब हो चुका है। उसके अलावा अपन इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, अगर ना करना हो तो नहीं भी करें, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। सो यहाँ पर अपनी आ चुकी है डिटेल एंड जो अगर आप और एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर देना चाहो तो दे सकते हो। मैं भी आपको अभी देख के दिखा देता हूँ, लाइक मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ एंड कर देने के बाद सिंपल मैं यहाँ से अपना स्कैनर उठा लूँगा। ये मेरा स्कैनर नहीं है, पता नहीं किसका है, मैंने सिर्फ डाउनलोड करा हुआ है इसको, ठीक है। सो इसको मैं छोटा करके यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपने चैनल का स्कैनर लगाइएगा, मैं अपना भी देख लेता हूँ, अगर नहीं मिल रहा था तो मैंने इस वजह से कोई और सा डाउनलोड करके लगा दिया, वैसे आप अपना भी लगा सकते हो। सो ये लगा देने के बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अपनी सारी डिटेल या फिर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर स्कैनर लगा दिया मैंने एंड यहाँ पर अपना योर नेम करके लिखते हैं या फिर XYZ आप जो लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा योर नेम एंड उसके अलावा यहाँ से जाके मैंने इसका कलर कर दिया है वाइट लाइक दिस। उसके अलावा करेक्टर पैनल करने जाने के बाद इसका फाउंड चेंज कर दूंगा मैं और फाउंड रखूंगा थोड़ा सा अच्छा रखूंगा ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा रहा है। तो फाउंड के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ से फाउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस फाउंड मुझे मिल चुका है और यहाँ से मैंने इसको फाउंड को लगा के यहाँ पर सिंपल अटैच कर दिया है। उसके बाद अपना फ्रंट साइड हो चुकी है, अब ये थोड़ा सा आपको खाली सा नजर आ रहा होगा बट ये बहुत ज्यादा अच्छा बन चुका है। तो अपन अगर खाली खाली सा नजर आ रहा हो तो इसको आप आगे कर दिएगा जिससे ये थोड़ा सा और अच्छे लुक के अंदर आ जाएगा लाइक इस तरह का। सो आई होप आपने ये सारा डिसीजन अच्छे तरीके से समझा होगा और जिस चीज़ को अगर समझ में नहीं आया तो वो वीडियो को वापसी से रिप्लाई करके चेक कर सकते हैं। सो अब इन सबको सिलेक्ट करके और सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 से लॉक कर देते हैं और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर देते हैं। उसके अलावा इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर छोटा बड़ा जैसा भी आपको करना हो उस तरीके से करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। उसके अलावा अपना फ्रंट हो चुका है, बैक साइड जो वो भी करते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर अपन लोग एक टैगलाइन दे देते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा है योर टैगलाइन एंड उसके अलावा अपन यहाँ पर कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके अलावा करेक्टर पैनल के जाके फाउंड यहाँ से अपन चेंज भी कर सकते हैं, लाइक मैंने फाउंड चेंज कर दिया। उसके अलावा मैंने इसको यहाँ पर रख दिया कुछ इस तरीके से, छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। सो मैंने इसको करके छोटा यहाँ पर रख दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अपना दूसरा वाला कार्ड जो है एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपन लोग। सो सेंटर में आ चुके हैं, एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। एलिप्स हम इस तरह का ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से अपन इसके ना कलर फिल कर देंगे। उसके बाद ये अपना कलर फिल हो जाने के बाद सिंपल यहाँ से अपन लोग ले लेंगे एक रेक्टेंगल टूल, लाइक रेक्टेंगल यहाँ पर अपन लोग एक ड्रॉ कर देंगे।
उसके बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे लाइक कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक करके हमें क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो ये अपना कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद अपन ये देख सकते हैं कि अपना डिज़ाइन जो है वो किस तरह का क्रिएट हो रहा है। उसके बाद जो अपना स्टेप आएगा वो अलग स्टेप होगा, एंड प्रोफेशनल बना रहे हैं तो इतना तो चलता है। तो क्या करेंगे अपन लोग नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अपना लोगो ले लेते हैं। सो ये रहा चैनल लोगो मेरा, तो मैं इसको लेके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। लाइक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, मैंने बहुत बड़ी क्वालिटी के अंदर बनाया था इसको, क्योंकि अभी आपको इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये अपन लोगों ने इंचेस के अंदर बनाया, पिक्सल के अंदर नहीं है। जो अपना जो आर्ट वर्क है, मतलब के जो बोर्ड है जिसके ऊपर अपन लोग डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं बैकग्राउंड, सो ये है अपना इंचेस के अंदर, लेकिन ये जो हमारा है ये हमारा पिक्सल के ऊपर, तो इस वजह से आपको क्वालिटी का फर्क नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये बनाया है लेकिन मैं इसको एलिप्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा। सो मैं यहाँ पर एक एलिप्स ड्रॉ कर लूँगा, और एलिप्स इतना ड्रॉ करना है कि ये आसान से आ जाए। सो दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट के साथ, एंड मैं क्लिपिंग मास्क कर दूंगा ताकि हमारा एलिप्स हो जाए, ठीक है। सो ये आ चुका है हमारा एक अदद लोगो, और उसके अलावा अपन यहाँ पर टैक्स लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कंपनी नेम, और उसके अलावा अपन यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं लाइक अच्छे तरीके से, और ये कर देने के बाद कलर अपन यहाँ से चेंज कर लेंगे। और उसके अलावा फाउंड सबसे पहले अपन यहाँ से ले लेते हैं, और इसका फाउंड तो ले लिया लेकिन कलर थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, तो यहाँ पर अपन ने ब्लैक कलर कर देते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पर क्रिएट हो जाने के बाद सिंपल अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे भी डिज़ाइन क्रिएट कर देते हैं क्या टैक्स, एंड यहाँ पर अपन टाइप करेंगे अपना चैनल नेम, तो मैंने यहाँ पर लिखा है शाइन प्रोजेक्ट ग्राफिक लाइक दिस, आप भी देख सकते हो जो के। और उसके अलावा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल बात है भाई, इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा लाइक कुछ इस तरीके से बड़ा कर देते हैं, और बड़ा कर दिया हमने। और इसके बाद यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो कम्प्लीटली हो चुकी है, और ये थोड़ा सा फ्लैट सा नज़र आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, अपने पास बहुत सारी डिटेल है, अपन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अलाइन कर लेते हैं दोनों को सिलेक्ट करके लाइक कुछ इस तरह से, और जब अलाइन हो जाए तो उसके बाद अपन यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल डाल देंगे, किस तरीके की डिटेल है, पेन टूल लिया अपन ने, और उसके बाद जिस तरीके से अपन ने यहाँ पर ये जो डिज़ाइन दिए इसी तरीके यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा कर्व करा ताकि हमारा ये जो डिज़ाइन है ये अच्छा लगे। तो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एंड इसको फ्रंट पे कर लूँगा, इसको मैं बैक पे रख लूँगा, और आई ड्रॉपर से इसके अंदर मैं कलर कर दूंगा लाइक ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट कर दूंगा इसको मैं, और उसके बाद वर्टिकल में करके इसकी कॉपी कर लूँगा। उसके अलावा इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये हमारा हो चुका है एक अदद डिज़ाइन क्रिएट। तो ये कर देने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर थोड़ी सी ख़राब हो गया था वो भी चेंज कर देता हूँ। उसके अलावा ये कर देने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल किस्म का हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी एक अदद डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो लाइक ये वाला, और यहाँ पर भी यही वाला क्रिएट कर सकते हो किस तरीके से, राइट क्लिक करा ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, उसके बाद कॉपी, कॉपी नहीं आई तो चलो दोबारा ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन को सबसे पहले कॉपी ले लेना है, और उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पर इसको रख देना है। सो ये हो चुका है हमारा डिज़ाइन क्रिएट। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अपन बड़ा छोटा जैसा करना चाहें वैसे कर भी सकते हैं लाइक अपन इसको इस तरह से बड़ा कर देते हैं। तो ये हो चुका है हमारा डिज़ाइन क्रिएट। उसके बाद अपन इसको सिलेक्ट करते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको सिलेक्ट करके इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और उसके बाद शिफ्ट के साथ अपन यहाँ पर ला के इसको पेस्ट कर देते हैं। सो ये हो चुका है अपना बिजनेस कार्ड क्रिएट फुल एंड बेहतरीन। सो गाइज ये हमारा बिजनेस का ट्यूटोरियल, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसको लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियो इस तरह की वीडियोस अपलोड होते रहती हैं एंड होते रहेंगी। तो मिलते हैं नए ट्यूटोरियल लेकिन नए वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़ एंड शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब नहीं करा तो याद कर लेना, ठीक है।